बांधवांतर्फे दरवर्षी होळीच्या नंतरच्या दिवशी धुळवडच्या दिवशी हल्ला बोल हा एक धार्मिक हल्ला बोल एक आयोजित केला जातो. कोविडच्या अनुषंगाने आणि जिल्हा प्रशासनाकडनं काही प्रतिबंधात्मक निर्देश जाहीर करण्यात आलेले होते, त्यानुसार हल्ला बोलची परवानगी नाकारण्यात आलेली होती. यासाठी वेळोवेळी गुरुद्वाराचे सदस्य त्यानंतर धर्मगुरू यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती आणि त्यांनीसुद्धा परिपत्र काढून आवाहन केलं होतं की कोविडची परिस्थिती पाहता हल्ला बोल बाहेर पारंपरिक मार्गाने गुरुद्वाराच्या बाहेर न काढता आतल्यात काढायचं त्यांचं नियोजन होतं. आज संध्याकाळी 4:00 सुमारास नियोजित कार्यक्रम त्यांचा सुरू असताना निशान साहेब गेट नंबर 1 आलं, परंतु त्यांच्यात आपसात बाहेर काढण्यावर एक वाद निर्माण व्हायला लागला आणि काही मुलं साधारणतः 300 ते 400 मुलं हल्ला बोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आले आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्ला बोल केलेला आहे. यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत, शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे. आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत. ये कुछ समस्या भारी होगा, संगत श्रद्धालु काफी थे यहाँ पे और चारों जितने गेट थे वो सब बंद थे और संगत में जो नौजवान थे उनका कुछ रोष था कि भाई मर्यादा के हिसाब से जो मेला है वो निकलना चाहिए, उस करके वो सब गड़बड़ हुई वहाँ पे. कमेटी की तरफ से क्या अपील की गई थी श्रद्धालुओं से? कमेटी की तरफ से अपील थी कि वो अंदर ही होना चाहिए मेला, जो भी था सो बाहर नहीं जाना चाहिए. अच्छा, ये किस तरह का इवेंट होता है, होता क्या है असल में इसमें? ये होला महल्ला होता है, जैसा आनंदपुर साहब में होता है ना मेला होले का, इसमें हल्ला होता है. जी जी जी, वो एक पुरानी मर्यादा है, परंपरा है जो 250 साल से चली आ रही है, उस परंपरा के लिए ये सब हुआ है. अब कैसा माहौल है गुरुद्वारा गुरुद्वारे के आसपास? अभी तो शांत है, अभी तो सब शांत है अभी, क्योंकि यहाँ पे पहले भी प्रशासन ने काफी कोऑपरेट किया था. हाँ, वो कुछ ना समझ बोलो या फिर जो नौजवान रहते है, जब मामला आस्था का हो जाता है, श्रद्धा का होता है, तो वहाँ आप पास छोड़ के भी लोग आगे चल जाते हैं, तो उसी किस्म में कुछ वो गड़बड़ हो गई है. बाद में फिर शांति से हो गया है सारा सभी कुछ.